गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑन ब्रिसेन हेम सर्किल ड्रॉइंग और एल्गोरिथम क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है स्कैन कन्वर्ट ए सर्किल हु सेंटर इज टेन कोमा फिफ्टीन एंड रेडियस टेन यूनिट यूजिंग ब्रिसन हेम सर्किल ड्रॉइंग एल्गोरिथम नाउ लेट इज स्टार्ट दोल्यूशन लेट द सेंटर ऑफ circle is shifted to 0 0 then the starting point of the circle is 0 10 the points on the circle that is x y can be calculated using circle algorithm as shown in table below now we will start our question from x equal to 0 and y equal to r r is the radius of the circle दिस इज टेन यूनिट एंड नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी द फॉर्मूला ऑफ डी इज़ डी इक्वल टू थ्री माइनस टू आर आर इज द रेडियस थ्री माइनस टू इंटू टेन इक्वल टू थ्री माइनस ट्वेंटी देन दिस विल बिकम माइनस के सेवेंटीन नाव वी विल ड्रो ए टेबल हेयर वी विल राइट एक्स वाई डी एंड द सर्किल पॉइंट्स सर्किल पॉइंट्स जो हम निकालते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू होता है एक्स प्लस एच एक्च की वैल्यू हमारे पास क्या है टेन एंड कैपिटल वाई इक्वल टू होगा वाई प्लस के वाई की वैल्यू हमारे पास है ट्वेंटी जो कि क्वेश्चन uh, में गिवन है नाउ एक्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो जीरो होगी और वाई की स्टार्टिंग वैल्यू होती है टेन जैसा कि हमने ब्रिस एन हेम सर्किल एल्गोरिथम uh, में डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग जो पॉइंट्स होते, है, होते हैं जीरो कोमा टेन होते हैं देन डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की माइनस के सेवनटीन माइनस सेवनटीन आया अब माइनस सेवेंटीन की वैल्यू को हम जीरो से कंपेयर करते हैं इट इज़ लेस देन जीरो देन एक्स एक्सिस पर एक इंक्रीमेंट होगा यानी जीरो टू वन हो जाएगा और वाई एक्सिस पर हमारा सेम रहेगा यानी टेन टू टेन और डी का फॉर्मूला उस इस केस में होगा डी वन इक्वल टू फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस डी इक्वल टू फोर इंटू जीरो एक्स की प्रीवियस वैल्यू हम यूज करेंगे एक्स इक्वल टू ज़ीरो प्लस सिक्स प्लस डी की वैल्यू माइनस सेवनटीन आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो डी वन इक्वल आएगा हमारा माइनस के अलेवन अब दोबारा डी uh, की वैल्यू को या डी वन की वैल्यू जो है हमारे इसको कंपेयर करते हैं जीरो से डी वन इज़ लेस देन जीरो अगेन एक्स एक्सिस पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा वन से हो जाएगा टू और वाई एक्सिस पर सेम रहेगा टेन से टेन ही रहेगा और हमारा डी का फॉर्मूला जो लेस देन के लिए आता है डी टू इक्वल टू फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस डी वन इक्वल टू फोर इंटू वन वन की वैल्यू हमारी प्रीवियस वैल्यू आती है वन की प्लस सिक्स प्लस डी वन की वैल्यू माइनस के एलेवन माइनस इलेवन तो डी टू इक्वल टू आएगा माइनस वन जो कि डी टू जो है लेस देन जीरो है फिर हम दोबारा क्या करते हैं एक्स एक्सीज पर एक इंक्रीमेंट कर देते हैं यानी टू से हो जाएगा थ्री और वाई एक्सिस पर हमारा रहेगा टेन से टेन एंड डी थ्री इक्वल टू फॉर्मूला होगा फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस डी टू इक्वल टू फोर इंटू टू टू हमारा एक्स की प्रीवियस वैल्यू होगी प्लस सिक्स प्लस डी टू की वैल्यू माइनस के वन नाउ इट विल बिकम कम माइनस थर्टीन अगेन हम दोबारा Uh, D3 थ्री की वैल्यू जीरो से कंपेयर करते हैं D3 थ्री इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो नाओ फार्मूला विल बी चेंज एंड द एक्स और वाई एक्सीज इंक्रीमेंट विल बी चेंज एक्स एक्सीज पर हमारा एक इंक्रीमेंट हो जाएगा थ्री टू फोर यानी तीन से चार हो गया और वाई एक्सिस पर हमारा एक डिक्रीमेंट हो जाता है जब D की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है जीरो से यानी टेन से हो जाएगा नाइन और हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है डी फोर इक्वल टू फोर एक्स माइनस वाई प्लस टेन प्लस डी थ्री इक्वल टू फोर एक्स की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्स थ्री माइनस वाई की वैल्यू टेन प्लस टेन प्लस थर्टीन आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डी फोर की वैल्यू आएगी माइनस फाइव माइनस फाइव को जीरो से कंपेयर करते हैं इट इज़ नाउ लेस देन जीरो देन एक्स एक्सिस पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा फोर से फाइव हो गया वाई एक्सिस हमारा सेम रहेगा जब हमारा डी की वैल्यू जीरो से कम आती है एक्स एक्सिस सेम रहेगा नाइन था तो नाइन रहा तो डी फाइव का जो फॉर्मूला डी फाइव इक्वल टू फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस डी फोर इक्वल टू फोर फोर की वैल्यू एक्स की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्स फोर प्लस सिक्स प्लस माइनस के फाइव डी फोर की वैल्यू यहाँ पर डी फाइव आएगा सेवनटीन डी फाइव को हमने जीरो से कंपेयर किया डी फाइव इज ग्रेटर देन जीरो अगेन एक्स एक्सिस पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा फाइव से हो गया सिक्स और वाई एक्सेज हमारा रहेगा एक डिक्रीमेंट हो जाता है नाइन से एट हो जाता है और डी सेक्स डी सिक्स का हमारा जो फॉर्मूला अब रहेगा फोर एक्स माइनस वाई प्लस टेन प्लस डी फाइव डी सिक्स इक्वल टू फोर फाइव जो एक्स की प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी और वाई एक्स की वाई की प्रीवियस वैल्यू नाइन प्लस टेन प्लस डी फाइव डी फाइव की वैल्यू है सेवनटीन वो हमने पुट किया तो डी सिक्स आया अलेवन अगेन डी सिक्स इज ग्रेटर देन दैन देन एक्स एक्सिस पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और वाई एक्सिस पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर जो हमारा इंक्रीमेंट होगा एक्स एक्सिस पर हमने जो इंक्रीमेंट किया है वो सिक्स टू सेवन हो गया और वाई एक्सिस पर एक डिक्रीमेंट हुआ तो वो सेवन हो गया अगेन डी सेवन हमें लिखाया फोर एक्स माइनस वाई प्लस टेन प्लस डी सिक्स डी सेवन फोर एक्स की प्रीवियस वैल्यू सिक्स माइनस एट प्लस टेन प्लस डी सिक्स की वैल्यू एलेवन तो डी सेवन हमारा आया थर्टीन इस तरह जब x और y की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं अब हमें क्या करना है जो हमने एच के की वैल्यू ली थी वो पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने सर्किल पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच और पहले कॉलम में अगर हम लेते हैं कैपिटल स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है ज़ीरो और टेन प्लस हुआ तो टेन और y में स्मॉल y की वैल्यू क्या है टेन तो y टेन प्लस ट्वेंटी इट विल बी थर्टी सेम होगा हमारा सेकेंड रो में x की वैल्यू हमारी वन है और टेन टेन प्लस वन अलेवन और y कैपिटल y इक्वल टू स्मॉल y स्मॉल y की वैल्यू टेन है तो इट विल बी थर्टी दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट इसी तरह हम थर्ड पॉइंट निकालते हैं टेन प्लस टू इक्वल टू ट्वेल्व और ट्वेंटी प्लस टेन इक्वल टू 30. Then Nash th point 10 plus 3 equal to 13 and 20 plus 10 equal to 30. Now uh, 10 plus 4 equal to 14 and 9 plus 20 equal to 29. Now 5 plus 10 equal to 15 and 9 plus 20 equal to 29. Now 6 plus 10 equal to 16 and 20 plus एट इक्वल टू ट्वेंटी एट्स दीज आर द पॉइंट्स जो हम निकाल सकते हैं ये सर्किल पॉइंट्स हैं और लास्ट सर्किल जो पॉइंट्स होगा हमारा वो ये होगा टेन प्लस सेवन सेवेंटीन एंड ट्वेंटी प्लस सेवन ट्वेंटी सेवन तो इस तरह हम कोई भी ब्रिसेन हम सर्किल एल्गोरिथम का यूज़ कर कर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच